बिहार के गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड के प्रगतिशील कृषक ओम प्रकाश सिंह ने समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए आर्थिक सबलता की इबारत लिख दी है। खेती में ये खाद्यान्न फसलों की खेती के साथ साथ आलू गोभी जैसी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इनकी मेहनत और लगन ने रंग लाई तो सम्मान से काम करने का जोश बढ़ गया। बागवानी लगाकर सरकार के जल जीवन हरियाली योजना को भी मूर्त रूप देकर साकार कर दिया। आज समेकित कृषि प्रणाली ने ओम प्रकाश सिंह के परिवार की तस्वीर बदल दी है। इसके अलावा ओम प्रकाश ने मछली पालन के उद्देश्य से 6 तालाब खुदवाया जिसमें मिश्रित मछली पालन कर सालाना लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। उन्नत कृषि और बेहतर उत्पादन के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी है। ओम प्रकाश ने आत्मा गोपालगंज के द्वारा वैज्ञानिक तकनीक से कैसे खेती करें इसके लिए प्रशिक्षण लिया। ये व्यवसायिक खेती पर अधिक ध्यान देते हैं। इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिक आए दिनों नई नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं ताकि खेती एक मुनाफे का व्यवसाय बन सके। इसी कड़ी में सरकार के सहयोग से आत्मा गोपालगंज द्वारा किसानों की आय बढ़े इसके लिए कृषकों को जहां जागरूक किया जा रहा है वहीं कृषि एवं कृषि सह व्यवसाय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरे यहाँ जो समेकित कृषि प्रणाली है डेवलप करने का कुछ योजना आ रहा है जिसमें समेकित कृषि प्रणाली पे हम लोग जोर दे रहे हैं। समेकित कृषि प्रणाली ये होता है कि इसको हम लोग पहले समझेंगे कि होता क्या है। इसमें क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग बचाए रखते हैं और अन्य खेती प्रणाली को सबको जोड़ कर एक जगह लाते हैं जिससे अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त हो और न्यूट्रिशनल बैलेंस बना रहे। इसमें क्या होता है कि एक घटक से जो हमारा अवशिष्ट निकलते हैं वो दूसरे घटक के लिए वो उपादान का काम करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हम लोग गाय, कोई किसान जो है गाय पालन, मछली पालन और कुक्कुट पालन, फिर खेती, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस प्लांट सब एक जगह लगाते हैं तो उससे होता क्या है कि गाय का जो गोबर निकलता है वो कुछ पतले गोबर जो होते हैं, सलरी जो होते हैं, वो मछली के पौंड में भी जा सकता है और हमारा जो मोटे गोबर निकलता है उससे हम लोग बायोगैस प्लांट में डाल करके उसके बाद हम लोग इससे लाइट का भी सोर्स ले सकते हैं। उसके बाद उससे जो निकलेगा अपशिष्ट उसको हम लोग वर्मी बेड में डाल के वर्मी कंपोस्ट बनाकर सब्जी के खेती में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कुक्कुट पालन से जो भी बीट निकलता है वो मछली का भोजन का तौर पे काम कर सकता है। हॉर्टिकल्चर प्लांट साइड में लगा करके हम लोग उससे अतिरिक्त आय कमा सकते हैं और उसके अलावा हम लोग जो चाहें तो उससे हम लोग का न्यूट्रिशनल बैलेंस भी परिवार में मिलना शुरू हो जा सकता है। गोपालगंज में जो समेकित कृषि प्रणाली है उसको बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय का भी इनमें इनका विजन है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है बड़े पैमाने पे इसे उतारा जाए, एक मॉडल के रूप में बनाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख करके इसे सीख करके अपना सकें और इसको शिक्षित कर सकें। इसके लिए हम लोग पिपरा कोठी से भी टाई अप कर रहे हैं, पिपरा कोठी में भी ट्रेनिंग कराने किया जाए। कुछ किसान जैसे प्रदीप राय हो गए, चाहे और भी किसान है जो मत्स्य पालन और बहुत सारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे उतरे हैं और भी बहुत सारे किसान हमारे गोपालगंज में एक इसको अपनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं गोपालगंज के किसानों को भी धन्यवाद करता हूँ। वो प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं, थक कर बैठ न जाना भाई, मंजिल दूर नहीं है।